हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम विश्वास सैताल आई होप आप सब बढ़िया होंगे चलो आज का प्रॉब्लम हम गिक फॉर गिक सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम का नाम है बी एस टी डॉनवर्स ओके तो ईजी बताता है पर इजी नहीं है थोड़ा मीडियम लेवल पे आता है वो तो प्रॉब्लम बताता है कि गिवन एन बाइनरी ट्री विथ एन यूनिक नोड वैल्यू एंड द टारगेट वैल्यू ओके यू हैव टू फाइंड अ नोड

तो पहले हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को तो हमारे पास एक बाइनरी ट्री है इस इसमें क्या दिया है कि बाइनरी सर्च ट्री में हम बोल सकते हैं कि हमेशा ए रूट नोड है इसका जो लेफ़्ट में होगा ना वो हमेशा छोटा होगा ए वैल्यू से हमेशा छोटा होगा देखो यहाँ पर ए ट्वेंटी फाइव है ए ट्वेंटी ए हमेशा छोटा है और राइट right साइड में क्या होगा राइट right साइड में हमेशा उससे बड़ा होगा इस केस में वो थर्टी फाइव है सेम थिंग यहाँ पर देखो यहाँ पर ट्वेंटी है ट्वेंटी लेफ्ट साइड में क्या है लेफ्ट साइड में फिफ्टीन है जो छोटा है और राइट right साइड में क्या है ट्वेंटी टू वो भी वो उससे बड़ा है ओके okay? और एक नंबर क्या है यहाँ पर यहाँ पर थर्टी फाइव है और इसके लेफ्ट में क्या है थर्टी है जो छोटे है और इसके राइट right में क्या है फोर्टी फाइव जो थर्टी फाइव से बहुत बड़ा है तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि ट्री में लेफ्ट साइड हमेशा छोटा होगा और राइट right साइड हमेशा यहाँ पर बड़ा होगा ओके okay? तो हमने अभी क्या करना है हमें हमें एक वैल्यू निकालना है इसमें हमें क्या टारगेट दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है हमें टारगेट थर्टी फाइव टारगेट निकालना पड़ेगा तो सोचो अभी हम रूट नोड पे रूट नोड का वैल्यू क्या है रूट नोड का वैल्यू है ट्वेंटी फाइव तो 25 टारगेट से छोटा है क्या बड़ा है रूट आ, हमें क्या टारगेट है हमारा टारगेट है 35 फाइव यहाँ पर हमारे पास 25 है वो ऑब्वियसली ए छोटा होगा ए बड़ा है तो हमें अगर वो बड़ा होगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा राइट जाना पड़ेगा या फिर लेफ्ट जाना पड़ेगा देखो राइट लेफ्ट के लिए हमें कभी स्मॉल होगा तभी हम आ, जाएंगे अगर राइट में जब उससे बड़ा होगा लार्ज लिमिट ओके तो इस केस में वो 35 है तो हम कहाँ जाएंगे हम राइट right साइड में जाएंगे अभी हम चेक करेंगे कि 35 फाइव टारगेट से इक्वल है हाँ टारगेट से इक्वल है तो हमें ये रिटर्न करेंगे ओके पहले हम इतना कोड करेंगे बाद में हम आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ओके तो अभी क्या करना है हमें हमें चेक करना होगा कि हमें कब तक चेक करना पड़ेगा इस इधर हमें जब तक चेक करना पड़ेगा जब तो वो null point तक वो नल पॉइंट तक पहुँच जाता ओके तो हम क्या करेंगे उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है कौन सा लूप अच्छा है लूप अच्छा है या फिर लूप अच्छा है ऑब्वियसली वाइल लूप क्योंकि हमें जब तक देखना पड़ेगा जब तक हमें नल तक पहुंचने जाता है ओके वाइल रूट इज नॉट इक्वल टू नल तब तक आप इस लूप को रन करो ओके okay? हम जो यहाँ पर बोला हम वही लिखेंगे यहाँ पर अगर इफ रूट डॉट हम अभी क्या करेंगे रूट को हम स्पेसिफाई uh, नहीं कर सकते ना यहाँ पर रूट है ना तो उसको हम uh, बदल नहीं सकते ये हम सब डेटा हार जाए मिल नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे एक uh, कोई भी एक प्रेजेंट uh, बोल के लिख देंगे प्रेजेंट uh, मतलब जो प्रेजेंट है या फिर करेंट लिख देंगे तो न सेम है करेंट बोल के एक नोट बनाएंगे और उसका वैल्यू होगा रूट क्योंकि हम यहाँ पर रूट को मॉडिफाई नहीं करना है तो करेंट को आप कॉपी करो यहाँ पर पेस्ट करो यहाँ पर पेस्ट करो अगर करेंट डॉट डेटा इक्वल होगा किसके इक्वल होगा टारगेट के इक्वल होगा तो आप क्या करना इस लूप से बाहर आ जाओ उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेक फंक्शन ओके ये क्या करेगा कि ये वाई लूप से बाहर आ जाएगा ओके okay? अभी हम क्या चेक करना है अगर इससे छोटा होगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा हमें जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड और अगर इससे बड़ा होगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा राइट साइड तो हम वही लिखेंगे इफ़ इफ करेंट डॉट डेटा अगर करेंट डॉट डेटा बड़ा है इससे तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें अगर हमारे पास सोचो यहाँ पर थर्टी फाइव सोचो इस केस में हमें क्या ढूंढना है हमें टारगेट दिया है यहाँ पर पंद्रह सोचो पंद्रह दिया हुआ है पंद्रह यहाँ पर है तो हम पहला चेक करेंगे कि ट्वेंटी फाइव बढ़ा है या फिर पंद्रह बड़ा है ओब्वियसली ट्वेंटी फाइव बढ़ा है तो हमें क्या करना है हमें जाके ना लेफ्ट जाना है अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे ट्वेंटी बड़ा है या फिर फिफ्टीन बड़ा है ओब्वियसली ट्वेंटी बड़ा ट्वेंटी बड़ा है तो हमें क्या जाना पड़ेगा हमें लेफ़्ट जाना पड़ेगा तो हमें यहाँ पर टारगेट वैल्यू मिल जाएगा ओके अगर करेंट वैल्यू बड़ा है टारगेट से तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमें हमें क्या हमें क्या करना पड़ेगा हमें हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा करेंट डॉट करेंट डॉट लेफ्ट ओके अगर वो छोटा होगा अगर सोचो इस केस में इस केस में हमें ढूँढना है फोर्टी सोचो फोर्टी नहीं दोनों मिक्स करेंगे अभी थर्टी टू ओके okay. तो अभी थर्टी टू ट्वेंटी फाइव से बड़ा है या फिर छोटा है ओ छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें राइट right जाना पड़ेगा ओके okay. यहाँ पर थर्टी फाइव है थर्टी फाइव बढ़ा है या फिर थर्टी टू बढ़ा है ओ बी एस थर्टी फाइव बढ़ा है तो थर्टी फाइव बढ़ा है इसलिए हम लेफ़्ट जाएंगे ओके okay. अभी थर्टी टू बढ़ा है या फिर थर्टी बड़ा है ओ बी एस थर्टी थर्टी टू बढ़ा है तो हम इसके लिए अभी राइट right जाएंगे और हमें आउटपुट मिल जाएगा ओके okay. अभी हम एल्स अब क्या करना अगर वो करेंट टारगेट वैल्यू ज़्यादा होगा तो अब क्या करना है यहाँ पर करेंट डॉट राइट कर देना बस इतना ही हमने जो कोड किया है हम हम से इस कोड से हमें जो टारगेट वैल्यू है वो मिल जाएगा अगर ये इधर ही स्टॉप हो जाता तो ये कोड इजी होता था पर इस केस में हमें क्या ढूंढना है हमें वर्टिकल बिलो ढूंढागा और उसको ऐड करना पड़ेगा हम प्रॉब्लम को समझते पहले हमने क्या किया यहाँ पर हमने क्रिएट किया हमने टारगेट को ढूंढ निकाला ओके okay? हमने क्या किया यहाँ पर हमने एक टारगेट को ढूंढ निकाला तो हम एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं जो यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल है उससे हम वर्टिकल मतलब क्या है समझेंगे ओके okay? तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है हमारा टारगेट फिर से हमारा टारगेट यहाँ पर क्या है ट्वेंटी फाइव तो हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर यहाँ पर है ट्वेंटी फाइव ओके अच्छा लेते तो नहीं कलर ही नहीं हो रहा छोड़ो पेन ही ले लेते ट्वेंटी फाइव टारगेट है हमारा टारगेट है ट्वेंटी फाइव ओके तो हमें क्या करना है इसका जो वर्टिकल लाइन में है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा इस इसको प्रॉब्लम में क्या करना है हमें जो वर्टिकल डाउन होगा तो उसको हमें क्या करना है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा डिसेंट को ऐड करना पड़ेगा ओके okay? तो वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करके देखते हैं हम क्या वर्टिकल लाइन मतलब तो ए वर्टिकल लाइन है ए इसका वर्टिकल लाइन है ए इसका वर्टिकल लाइन है और ए इसका वर्टिकल लाइन है और ए इस तो वर्टिकल लाइन है टेढ़ा तो तो हो गया ए वर्टिकल लाइन तो तो इसके नीचे दो चीज़ें मिलेगा 22 मिलेगा और 30 मिलेगा एक्चुअली ये दोनों एक ही साथ में होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमें टारगेट वैल्यू मिला ना तो हम इसको क्या दे देंगे इसको हम बोल देंगे कि आपका वैल्यू अभी आपका वैल्यू जीरो पोजिशन में है ओके okay? अगर इसके पीछे पीछे गया तो यहाँ पर हम बोलेंगे माइनस वन और इससे पीछे गया तो हम क्या बोलेंगे इसका वैल्यू है माइनस टू और इसका ऐसे इसका, इसका करेंगे वन और टू आप बोल रहे ये सब क्यों करना है इसका पोजिशन क्यों या, या, याद करना है हम अगर क्या करेंगे यहाँ पर हम इस केस में एक जब हम टारगेट ढूंढ हमें टारगेट मिल जाएगा तब एक पोजीशन बोल के एक डाल देंगे ज़ीरो को तो हमें पोजीशन ज़ीरो को ही ऐड करना पड़ेगा अभी क्या करना है हमें हर एक हमें हर आ, हर नोड में जाना पड़ेगा उसके लिए हमारे पास तीन ऑर्डर है क्या ऑर्डर है एक होगा प्री प्री ऑर्डर और एक होगा इन ऑर्डर और एक होगा पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर में क्या होता है कि डेटा पहले को लेते हैं बाने लेफ्ट बाने राइट right को जाते हैं इसमें इन ऑर्डर में क्या जाएगा पहले लेफ्ट को करेंगे बाने डेटा को लेंगे बामने हम राइट right को जाएंगे ओके और एक केस में क्या होगा कि हम पहला लेफ्ट में जाएंगे बामने राइट right में जाएंगे बामने डेटा को लेंगे ओके तो ये हम तीन वे से पूरा बाइनरी ट्री को ट्रिवर्स कर सकते हैं ओके तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अभी हम यहाँ पर और एक कलर लेंगे रेड अच्छा तो अभी हम इस तीनों में से कौन सा आपको अच्छा लगेगा कि पहला हम क्या करेंगे पहला हम लाइट राइट को जाएंगे बाहर लेफ्ट को जाएंगे बाहर में हम डेटा को देखेंगे इस तीनों में से ये सबसे बड़ा हमें सबसे हमें वो कंडीशन चाहिए कि पहला हम सम सब, पहला हम लास्ट तक जाएंगे भाव ने हम डेटा को लेंगे पहला हम डेटा को मैनिपुलेट नहीं करेंगे भाव ने हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे ये सबसे अच्छा हम अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होगा और ये भी अच्छा है ओके तो अभी हमारा रूट नोट यहाँ पर है ओके तो लोग ने क्या बोला है कि यहाँ पर इस केस में हमें रूट को ऐड नहीं करना है इस केस में क्या बोला कि हमें रूट को ऐड नहीं करना है बड़ी उसका डिसेंट को ऐड करना है जो डिसेंट होगा डिसेंट मतलब इससे कोई नीचे होगा उसको ही ऐड करना पड़ेगा आई होप आप ये समझिए हो कि हम कौन सा कौन सा वो यूज़ करने वाले हैं प्री ऑर्डर इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में हम पोस्ट ऑर्डर को यूज़ करेंगे मतलब लेफ्ट को पिला जाएंगे भावने राइट right को जाएँगे भावने हम डेटा को लेंगे आई होप यहाँ पर समझ गए होगे तो अभी क्या करेंगे हम इसका क्या है पोजिशन इसका फर्स्ट इसका पोजिशन क्या है इसका पोजिशन है ट्वेंटी फाइव कॉमा ज़ीरो ओके इसका वैल्यू ट्वेंटी फाइव है और इसका पोजिशन है जीरो ओके okay, तो अभी क्या करेंगे हम हम अभी लेफ्ट को जाएंगे हम क्या जाएंगे हम लेफ़्ट को जाएंगे और इसका भी हम पोजीशन को क्या ड्योनेट करेंगे इसका अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे माइनस वन करेंगे अगर हम राइट right में जाएंगे तो हम पॉजिटिव वन करेंगे आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे तो नेगेटिव वन अगर हम राइट right में जाएंगे तो पॉजिटिव वन ओके अभी हम कहाँ पर हैं अभी हम लेफ्ट साइड में जो होगा अभी लेफ्ट गया तो अभी इसका वैल्यू पोजिशन क्या होगा जीरो माइनस वन तो इसका पोजिशन क्या है अभी ट्वेंटी माइनस वन ओके अभी फिर से हम क्या जाएंगे फिर से हम लेफ्ट में जाएंगे तो अभी लेफ्ट में अभी ये फिर से अभी क्या होगा माइनस हो माइनस वन है तो अभी हम फिर से लेफ्ट गया इसका वैल्यू क्या होगा फिफ्टीन माइनस टू ओके तो हमने अभी लेफ्ट कर लिया अभी हम कहाँ जाएंगे अभी हम इसका राइट right को चाहिए इसका अभी इसका आगे हम नहीं जा सकते तो नल है तो हम अभी इसका अभी पैरेंट में जाके हम इसका राइट right में जाएंगे अभी राइट right में क्या लिखा है कि अगर हम राइट right में जाएंगे तो हम इसको प्लस वन करेंगे अभी पैरेंट में क्या है माइनस वन है तो अभी हम इसको प्लस वन करेंगे ट्वेंटी टू कॉमा अगर माइनस वन और प्लस वन किया तो क्या मिलेगा हमें ऑब्वियसली ज़ीरो मिलेगा ओके okay? अभी हम इसका भी हो गया इसका बिनल पॉइंट है हम उसको ऊपर जाएंगे अभी हम इसका पैड कर जाएंगे अभी इसका केस क्या है अभी ट्वेंटी फाइव और जीरो पोजिशन क्या है इसका जीरो है अभी हम कहाँ जाएंगे अभी हम राइट साइड जाएंगे अगर हम राइट साइड गया तो हमें क्या करना है हमें एक को ऐड करना पड़ेगा तो इसका पोजिशन क्या बनेगा थर्टी फाइव कॉम वन और अभी थर्टी फाइव में है अभी हमें क्या करना है अभी हमें लेफ्ट साइड में देंगे अगर लेफ्ट साइड में है यहाँ पर हाँ लेफ्ट साइड में है तो होगा थर्टी अभी लेफ्ट लेफ्ट साइड में गया तो हमें क्या करना होगा पोजिशन को माइनस वन करना पड़ेगा यहाँ पर पोजिशन क्या है यहाँ पर पोजिशन है वन तो अभी क्या करेंगे हम पोजिशन को माइनस वन करेंगे क्या करेंगे यहाँ पर थर्टी uh, इसका वैल्यू है थर्टी माइनस वन प्लस वन माइनस वन क्या तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर यहाँ पर मिलेगा ज़ीरो ओके okay. और अभी क्या करना है हमें हमें राइट साइड जाएंगे हम इस, अभी इसमें आया तो इसका राइट साइड क्या होगा इसका इसका राइट साइड अभी हम लेफ्ट साइड इसका कुछ नहीं है लेफ्ट साइड तो एम है हम इसका राइट साइड चेक करेंगे राइट साइड को क्या करना पड़ेगा जो पेरेंट का होगा पोजिशन होगा उसको हमें प्लस वन करना पड़ेगा तो इसका पोजिशन क्या होगा थर्टी टू कॉमा वन ओके अभी हम इसका भी कोई कोई चाइल्ड नहीं तो हम ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे और इसका भी राइट देखेंगे जो थर्टी फाइव है यहाँ पर वन है तो यहाँ पर क्या बनेगा फोर्टी टू कॉमा टू अभी क्या करना है हमें हमें चेक करना पड़ेगा कि किस किस का पोजिशन क्या है पोजिशन किस किस का पोजिशन यहाँ पर पोजिशन क्या है पोजिशन ज़ीरो है जिस चीज का पोजिशन ज़ीरो है वो उसको हम ऐड करेंगे और सिर्फ हमें जो हमें टारगेट दिया ना उसको ऐड उसको ऐड नहीं करेंगे जो इसके नीचे हो जा मतलब डिसेंट होगा उसको ही हम ऐड करेंगे इस केस में होगा ट्वेंटी फोर और थर्टी सो ट्वेंटी टू क्यों ट्वेंटी टू थर्टी क्योंकि इसका पोजीशन है यहाँ पर ज़ीरो और इसका भी पोजीशन है यहाँ पर जीरो ओके सो ट्वेंटी टू प्लस थर्टी कितना होगा ओपली सी फिफ्टी टू तो हमें आउटपुट फिफ्टी टू मिला यहाँ पर हमें आउटपुट यहाँ पर 52 मिला हाँ हमें आउटपुट यहाँ पर 52 मिल चुका है तो हम यहाँ पर तक समझ गए ओके अभी हम यहाँ पर कोड करते हैं अभी हम यहाँ पर कोड करते हैं ओके हम यहाँ पर अगर सोचो अभी हमने क्या किया कि अगर हमें टारगेट वैल्यू मिला तो हम ब्रेक करेंगे तो इस केस में हम इसको बोल सकते हैं कि अभी करेंट अभी करेंट को अभी सोचो अभी हमें यहाँ पर टारगेट वैल्यू मिल चुका है जो होगा थर्टी फाइव तो अभी बोल सकते हैं कि करेंट तो नल नहीं है करेंट तो क्या है कि नल नहीं है तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर इफ करेंट इज़ नॉट इक्वल टू नल कि हमें जो टारगेट अभी मिल चुका है तो अभी ऑब्वियसली वो नल नहीं होगा तो अभी हमें क्या करना है कि एक हमें और एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो वर्टिकल वर्टिकल uh, जो ऐड करेंगे वही हम यहाँ पर हमने लिखा वही हम कोड करेंगे अभी नीचे तो हमें क्या क्या चाहिए हमें चाहे आंसर हमें मुझे अवॉइड करना है ना तो वो ऑब्वियसली हमें हमें कोई आउटपुट नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे इसके लिए हमें आ, एक वेरिएबल यूज करेंगे लॉन्ग आंसर को ओके okay? हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो होगा लॉन्ग आंसर ओके तो आंसर को हम करेंगे ज़ीरो और पोजीशन है हमारा तो हमारा यहाँ पर पोजीशन क्या है ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पोजिशन इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो और हमें क्या चेक करना है कि हमें टारगेट वैल्यू कोई नहीं चाहिए हमें जो टारगेट वैल्यू है वो नहीं चाहिए यहाँ पर टारगेट वैल्यू है उसको हमें ऐड नहीं करना इसमें हमने किसको ऐड किया 22 और 30 को ऐड किया पर यहाँ पर भी ज़ीरो है पर हमने इसको क्यों नहीं ऐड किया क्योंकि वो टारगेट वैल्यू है तो हम उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एक नोड बनाएंगे चेक तो उसको चेक करो कि वो नहीं है वो वो नोड नहीं है तो चेक आ, करेंट सही हो करेंट करेंट क्यों लिखता हूँ क्योंकि करेंट वो टारगेट है यहाँ पर हमें करेंट डॉट डेटा इक्वल टू टारगेट मिला है तो वो 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 नोट छोड़ के आप उसका डिसेंट को ऐड करना है आई होप आप इधर तक समझ गए होगे अभी क्या करना है हमें हमें अभी ए नहीं चाहिए ए पड़ा ओके हमें क्या करना है यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जहाँ पर हमें सब जो जो डिसेंट है उसको हम फाइंड करेंगे तो फाइंड करेंट uh, जो टारगेट वैल्यू से उससे हमें ढूंढना uh, पड़ेगा करेंट ओके करेंट कर लिया अभी हमें क्या चाहिए हमें उसका पोजीशन भी चाहिए हम पहला सब नोड लेते थे चेक करो कि वो नोड है उसको छोड़ के बाकी सबको ऐड करना है और पोजीशन पोजीशन जीरो होगा तो वही ऐड करना है बस तीन ही चाहिए आंसर को हमने लॉन्ग दिख किया क्यों हमें हमें यहाँ पर आउटपुट चाहिए हमें वो वाइड वाइड फंक्शन बनाएंगे ओके बाद हमें क्या करना है यहां पर हमें क्या रिटर्न करना है रिटर्न करना है आंसर। अगर हमें पर टारगेट वैल्यू नहीं मिला अगर हमें टारगेट वैल्यू नहीं मिला तो हमें क्या करना है हमें यहाँ पर टारगेट वैल्यू नहीं मिला तो हमें रिटर्न करना है माइनस वन एल्स एल्स रिटर्न माइनस वन अभी हमें क्या करना है अभी अभी हमें सिर्फ एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो होगा वर्टिकल एरिया को बहुत आसान है आपको मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पर हम हमें, हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है तो वॉइड और फंक्शन का नाम लिखेंगे फाइंड और नोड होगा रूट बोलते हैं और नोड होगा चेक चेक करो और नोड होगा नहीं इंट है पोजिशन ओके okay? जो पोजीशन है वही हमें करना है तो मुझे ये चाहिए हाँ अभी हमें क्या चेक करना है हम अगर इसका तो आपको पता होगा इसका मेथड हमें कौन सा मेथड यूज़ करें राइट लेफ्ट डेटा ओके हमें कभी स्टॉप करना है इसके लिए इफ हमें रूट इक्वल टू इक्वल टू नल मिलेगा तो अब क्या करना अभी अभी आप स्टॉप कर देना अभी क्या करना हमें हमें स्टॉप करना कोई रिटर्न का वैल्यू नहीं है क्योंकि वो वॉइड है ओके okay? अभी हमें क्या करना है हमें पहला लेफ्ट जाना है अभी हमें क्या करना है हमें लेफ्ट जाना है तो अभी हम क्या करेंगे फाइंड फाइंड रूट डॉट लेफ्ट ओके और चेक करने के लिए चेक डाल दो और पोजीशन को अभी क्या करेंगे अगर वो लेफ्ट जाएगा तो पोजीशन क्या होगा यहाँ पर हमने क्या बोला लेफ्ट गया तो माइनस वन लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस वन लिखेंगे अगर वो राइट right साइड गया तो हम क्या करेंगे अभी अभी हम राइट साइड के लिखेंगे अगर वो राइट right साइड गया तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी हमें पॉजिटिव वन लिखना पड़ेगा पोजिशन प्लस वन ओके हमने अभी क्या किया हमने यहाँ पर एल और आर को फॉर्मुलेट कर दिया अभी हमें डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ेगा अभी अभी हमें क्या अभी इसमें हमें क्या चेक करना पड़ेगा हमने यहाँ पर क्या चेक किया कि पोजिशन शुड भी इक्वल टू तो क्या है ज़ीरो है और क्या चेक करना है हमें सिर्फ पोजिशन इक्वल टू तो जीरो है या फिर और, और कुछ बाकी है हमारे पास और क्या है कि हमें टारगेट को अवॉइड करना है ओके इफ पोजिशन इज इक्वल टू ज़ीरो ओके एंड हमें क्या अवॉइड करना है हमें चेक को अवॉइड करना है रूट शुड नॉट बी इक्वल टू चेक तो अभी आप क्या करना है यहाँ पर अभी आप क्या करना है यहाँ पर आप जाके आंसर को ऐड करो जो रूट का डेटा है ओके सिंपल ओके इतना ही है कोड, हमने यहाँ पर वर्टिकल कर लिया ओके okay? कंपाइल करके देखते हैं कि कोई एरर मिलता है क्या नहीं मिलता है हाँ इसलिए पोजिशन डॉट रूट नॉट नल कहाँ पर है वो वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी यहाँ पर और कौन सा है वन थर्टी फाइव वन थर्टी फाइव ओके चलो देखते हैं अभी सिंपल फोन अरे यार क्या है वो हार और क्या है यार मिस्टेक ओके और कौन सा है अभी रन हो जाएगा या हो गया तो हमें जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वही मिल चुका है चलो सबमिट करके देखते हैं चलो सबमिट भी हो रहा है आई होप आप समझ गए होंगे तो 0.8 पॉइंट यहाँ पर वेट कर रहा है तो मिल रहा है ओके आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कोड कैसे करते हैं एक्चुअली कोड मीडियम है आप निराश मत हो आपके पास हुआ नहीं थोड़ा मीडियम कोड है इजी प्रॉब्लम नहीं है मीडियम कोड है और आई होप आपको हेल्प मिला होगा कि कैसे रन करते मतलब कैसे कोड करते अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और कोडिंग करते रहना मिलते रहेंगे चलो बाय